मैं उसको इतना देर से वेट कर रहा हूँ, अभी तक वो आई नहीं। यार इतना वेट कौन कराता है, 2 दिन हो गए, 2 दिन यार मैं बैठा ही बैठा, मेरी कमर अकड़ गए यार, कब आएगी वो। एक तो यार कल की कल हमें शादी करनी है, मुहूर्त निकल जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, रात भी हो गई यहाँ पर, कब आएगी यार वो। अभी तक ठीक है, चलो थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, अगर अभी नहीं आई तो मैं चले जाऊँगा अपना घर। उससे 2 दिन हो गए, अभी तक मैं सो रही हूँ, मेरे को उठने का बेड से बिल्कुल भी मन नहीं करा, बट मेरे को उठना पड़ेगा यार। 2 दिन से लॉगी मेरा वहाँ पे वेट कर रहा होगा और मैं यहाँ पर सो रही हूँ, मेरे को नहीं उठना है बट उठना पड़ेगा। अब मेरे को फटाफट से जाना पड़ेगा लॉगी से मिलने के लिए। यार वो मेरे को क्या ही बोलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी उसे, क्या ही करनी थी मेरे को तो नहीं पता। मैं फटाफट से जाती हूँ, डर लग रहा है मेरे को, बट मेरे को डरना नहीं चाहिए। मैं जाती हूँ, मैं नहीं डरूँ, मैं जा रही हूँ फटाफट से। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, 100 करोड़ उठ के जा रही हूँ, क्या ही रिएक्ट करेगा, कोई बात नहीं, बट मेरे को जाना है, यहीं कहीं भी वेट कर रहा है। ओके, फाइनली लॉगी यहीं पे वेट कर रहा है। क्या है यार पुष्पा, मैं तुम्हारे इतना देर से वेट कर, अभी कोई आता है क्या, अभी आता है? सॉरी लॉगी, वो क्या है, मैं पार्टी के बाद जैसे आए मैं 2 दिन तक सो ही रही। हाँ ठीक है, मैं तो जाओ फिर से, तुम पार्टी ही करो, मेरे से क्यों आई हो बात करने के लिए। तुम ही तो मेरे को बोले देगी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो मैं आ गई हूँ। ठीक है, पहले अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो। बैठ तो गई हूँ लॉगी, अब बोल भी दो यार। देखो पुष्पा, हम लोग 3 साल से डेट कर रहे हैं, ओके, और हम लोग सोचे थे कि हम लोग और 2 साल डेट करेंगे, देन हम लोग शादी करेंगे। मजा आया, बट क्या हुआ ना, अगर हम लोग कल की कल शादी नहीं करते तो हमें 100 साल तक वेट करना पड़ेगा शादी के लिए, क्योंकि मुहूर्त नहीं निकल रहा है। व्हाट, क्या बोल रहे हो लॉगी, कल की कल, इतनी जल्दी? हाँ पुष्पा, वो मेरे को पंडित जी ने बताया, हम लोगों को कल की कल शादी करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी। तुम बस पुष्पा सैड ना हो यार, सैड ना हो, तो अपने पापा को मना लोगी, मेरे को पता है। मैं अपने पापा को मना लूंगी, ये तुम्हें कैसे लगता है लॉगी? मेरे पापा बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है यार, वो ये सब के मामले में नहीं पढ़ने देते। वो मेरे को पहले ही बता कर रखे थे कि बेटी तुम्हारी शादी करूंगा तो एक अच्छे लड़के से करूंगा। तो तुम बोलना क्या चाहती हो, मैं गंदा लड़का हूँ, अच्छा लड़का नहीं हूँ? अरे वो मेरा मतलब था ना कि हाँ अच्छी हो, बट मेरे पापा मेरे को बोले थे ना, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, अरेंज मैरिज करने को। जिंदगी बर्बाद हो गया। तुम पहले मेरे को बताओ पुष्पा, मेरे से तुम्हें शादी करनी है? हाँ करनी है ना लॉगी, ठीक है, मैं अपने पापा को बताऊंगी, या फिर अगर मैं कुछ बहाना मारती हूँ ऐसे ही असाइनमेंट वगैरह के, कल की कल शादी कर लेते हैं भाग कर। ओके, भाग की शादी करनी है, ठीक है, मैं कल रात आऊंगा तुम्हारे घर पे। ओके ठीक है, तुम मेरे घर आना और मैं उस टाइम सो ही रहूंगी। तुम ऐसा कुछ करना कि लाइट ऑफ हो जाए और फिर हम लोग भाग चलेंगे। हाँ ओके डन, चलो अब मैं जाता हूँ, ठीक है पुष्पा, ख्याल रखना, कल मिलता हूँ। 2000 years later बहुत अच्छा नींद आ रही है। अरे रे पापा, आप जमीन पे क्यों सो रहे हो? तो क्या हो गया बेटिया, मैं जमीन में सो रहा हूँ तो क्या हो गया? अरे पापा, आप जमीन पे सोते हो ना तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे कोई बात नहीं बच्चा, बताओ तुम यहाँ पर अभी क्यों आई हो? पापा कल ना मैं पूरे दिन घर से बाहर रहूँगी, क्योंकि ना मेरे को असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, और वो असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए मेरे को अपने फ्रेंड के घर जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम जा सकती हो, बट अच्छे से जाना और जल्दी घर आना, ज़्यादा लेट मत करना, रात होते होते ही घर आ जाना। ओके ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अभी तो लॉगी आने वाला था, मैं सोने का एक्टिंग करती हूँ, देखती हूँ कब तक आ। चलो मिडनाइट हो गई है, अब मैं फटाफट से डाका डालने जाता हूँ, और क्या पता अभी पुष्पा सो रही हो या फिर नहीं। चलो सब सो रहे उसके घर पे, पूरी शांति। अब मैं जाता हूँ, पीछे वाली लाइट खराब कर देता हूँ और इसके घर की सारी बत्ती गुल हो जाएगी। अरे ये कैसी आवाज, सारी बत्ती गुल हो गई? अरे यार मेरी बिटिया तो ऊपर सो रही थी, अब मेरे को फटाफट से जाना पड़ेगा, इतना अंधेरा हो चुका है मैं देख भी नहीं सकता। अरे मेरे को तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। अरे इधर मैं जा रहा हूँ, किधर जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके
अरे पापा आप आ गए, लाइट क्या पता क्यों चली गई, मैं यहाँ पे कैंडल लगा दी हूँ पापा। पुष्पा मेरे को तो लगता है लाइट खराब हो गया, तो मैं जाता हूँ इलेक्ट्रिशियन के पास, तुम अच्छे से रहना। ओके ठीक है पापा, मैं अच्छे से रहूंगा, आप जाओ, बाय बाय। वाह इसके डैडी जी चले गए, अब मैं जाता हूँ पुष्पा को लेने को। यह पुष्पा मैं आ गया, पुष्पा मैं आ गया। देखो देखो वो आ गया। फाइनली हम लोग शादी कर सकते हैं पुष्पा। अरे यार इतना अंधेरा क्यों है इधर? अरे यार अच्छा अच्छा मैं ही तो लाइट गुल किया था। अच्छा पुष्पा किधर सो रही है? इधर सो रही है क्या? पुष्पा किधर सोती? अच्छा हे पुष्पा उठ जा। पुष्पा अरे रे रे कौन है? भागो भागो चोर आ गया मेरे घर पे, कुछ दिख नहीं रहा, चोर आ गया कुछ। अरे पुष्पा मैं हूँ यार, लॉगे अच्छे से देखो। अच्छा तो मैं तो डरी गई थी, मेरे को लगा यार कौन आ गया मेरे घर। अरे अरे ठीक है कोई बात नहीं, चलो फटाफट से हम लोग भागते हैं। चलो पुष्पा यहाँ से कूद जाते हैं। नहीं नहीं हमें सुसाइड नहीं करना यार, पुष्पा सुसाइड नहीं करना, आ जाओ हम लोग नीचे से भागेंगे, और हमें अभी की अभी शादी करनी है, पंडित जी को भी ढूंढना है, फटाफट से चलो फटाफट से। ओके पुष्पा अभी हम लोग यहाँ मंडप पे आ चुके हैं, मैं पंडित जी को ढूंढ के लाता हूँ। A few moments later. So hey guys, आज मैं बनी हूँ पंडित जी, तो आज मैं लॉगी की शादी करवाने वाली हूँ। वैसे मेरे को मंत्र आते हैं थोड़े बहुत, तो देखते हैं कैसे शादी करती हूँ। ओके मेरे को लॉगी बुला रहा है। हेलो हेलो पंडित जी प्रणाम। क्या हुआ बालक, कैसे याद किया? पंडित जी अभी मेरे को शादी करनी, फटाफट से चलो मंडप रेडी है, सिर्फ आपको दो चार मंत्र पढ़ने हैं और बस हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके ओके ठीक है चलो, मैं तो पंडित हूँ, मेरा काम ही है शादी करवाना, तो चलो मंडप पे तुम्हारी दुल्हन तो रेडी है ना? ओके चलो दुल्हन पहले ही आकर बैठी हुई है। ओके हाँ पंडित जी अब आप शादी आरंभ कर सकते हो। तो चलो मैं कुछ भी बोलो तुम लोग स्वाहा स्वाहा करते रहना। ओके तो चलो ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विक्षे नमः स्वाहा। टूटता है दोस्तों। अब फेरे लेने की बारी आती है लड़की, कृपया करके आगे आ जाओ। One hour later. अब शादी संपन्न होती है। ये लोग मेरे पूछने से बगैर एक दूसरे से शादी कर रहे, अभी मैं बताता हूँ कैसे कर सकते मेरे पूछने से बगैर शादी। बहाना मार के इधर उधर जाती है और अभी शादी कर रही है। रुको मैं बताता हूँ, रुको मेरी छड़ी कहाँ है? मेरे इन्वेंटरी में है, अभी रुको मैं किधर मारूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऐसी लॉगी की शादी हो जाती है और लास्टली उसके पापा जी मान जाते हैं, फिर वो लोग खुशी खुशी अपना लाइफ व्यतीत करते हैं। तो आई होप सो गाइस आपको लॉगी की शादी पसंद आई होगी, और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर देना, बिकॉज गाइस मैं 100 के काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।